Welcome to online class, class 5. Today I start your next topic of this chapter, chapter 13, rocks and minerals, and my next topic is sedimentary rocks. आज मैं आपको chapter 13, rocks and minerals का जो मेरा next topic है sedimentary rocks, इसके बारे में detail में बताऊंगी. देखिए, weathering of rocks occurs due to the effect of sun, wind and rain. जो weathering है rocks का, वो किसकी वजह से होता है? Sun की, wind की और rain की. The rocks break down into small pieces. पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूटता है. व्हेन दीज स्मॉल पीसेस सेटल टुगेदर, जब ये छोटे छोटे पत्थर साथ में आते हैं, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, तो इन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड, वाटर एंड ग्रेविटी. ये जो सेडिमेंट्स हैं, अलग अलग जगह जाते हैं विंड, वाटर और ग्रेविटी की वजह से. एज द लेयर ऑफ सेडिमेंट सेटल डाउन ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे जो लेयर्स है सेडिमेंट की, वो ऊपर से टॉप से सेटल होनी शुरू होती है. देयर वेट स्क्यूजेस द पीस टुगेदर, उनका वेट स्क्यूज कम होता है. एंड द डिजॉल्व मिनरल फिल इन द स्पेस, और जो घुलने वाला मिनरल है वो स्पेस में भर जाता है बिटवीन द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स के बीच में. और जो सीमेंट की लेयर्स हैं वो साथ में आती हैं, फॉर्म्स बनती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के. जैसे फर्स्ट है आपका सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ सैंड ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर. सैंडस्टोन जो बना होता है वो सैंड ग्रेन से बना होता है, जो मिलके पत्थर बनाता है. इट मोस्टली कंटेन्स ग्रेन ऑफ क्वार्ज, इसमें क्वार्ज के कुछ दाने होते हैं. इफ़ इट हैज़ आयरन, इसको आयरन करें और सीमेंटिंग मिनरल से, दैन इट इज़ रेडिश, तब ये रेड हो जाता है कलर में. इट इज़ ऑफन यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन, इसे हम बिल्डिंग स्टोन के तौर से यूज़ करते हैं. रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वो सैंडस्टोन से मिलकर ही बना होता है. अब नेक्स्ट आता है कॉन्गोमेरेट. कॉन्गोमेरेट इज मेड अप ऑफ राउंडेड पेबल सीमेंटेड टुगेदर. कॉन्गोमेरेट जो होता है वो येरा, छोटे छोटे सीमेंटेड पेबल्स टुकड़ों से बना होता है पत्थर के. द पेबल्स आर राउंडेड बाय मूविंग वाटर, ये जब पानी हिलता है तब ये टुकड़े हिलते हैं. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद द पेबल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, मिनरल्स के द्वारा सीमेंटेड हो जाते हैं. शेल, शेल जो होता है वो ये है. शेल इज मेड ऑफ क्ले, वो मिट्टी का बना होता है. इसमें बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं कहीं ना कहीं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद में, जो लेयर्स बन के एक दूसरे से चिपक जाते हैं और शेल बना देते हैं. लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का पिक ये है. लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ शेल, ये शेल से बना होता है, लेकिन इसकी छोटी छोटी क्रेचर्स ओशियंस में मिलती हैं. देयर शेल्स, शेल्स जो होते हैं आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम से बने होते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ दीज क्रेचर, इन क्रेचर्स की मृत्यु के बाद, द शेल फॉल इन टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, शेल जो है वो समुद्र के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं. द शेल चेंज इन टू अ मिनरल कॉल्ड, ये शेल चेंज होकर कैक्साइट में चेंज हो जाते हैं. विच इज द मेन सब्सटीट्यूट, जो मेन सब्सटीट्यूट लाइम स्टोन का, इट फॉर्म्स चौक, ये चौक बनाता है. यू कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, जिससे आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं. और जो ये चौक होती है क्लास रूम में यूज़ करी जाती है, फैक्ट्रीज में बनती है ये. समटाइम्स कई बार लाइम स्टोन कंटेन द इम्प्रेशन, लाइम स्टोन में मरे हुए जानवर और प्लांट्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड फॉसिल, ये जीवाश्म कहलाते हैं. फॉसिल आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ईयर्स एंड ईयर्स एगो. जीवाश्म जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जो हज़ारों साल में पड़े रहते हैं, उनसे बहुत लंबे समय तक जब मिट्टी के साथ और कीचड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब जाके वो पत्थर बनाते हैं. ठीक है, तो बहुत मुश्किल से सेडिमेंट का बनता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फोसिस मीन्स होता है चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म का बदलना. मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो एक प्रकार का वो होता है जो ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है, कई बार इससे चेंज भी हो सकता है हीट और प्रेशर की वजह से. तो ये डिपेंड करता है कि चेंज क्या क्या है. स्लेट, स्लेट इज स्लेट जो है शेल से बनी होती है, मिट्टी वाला पत्थर होता है. इसको आराम से आप तोड़ सकते हो, लेयर्स बना सकते हो पत्थरों, हाउसेस की रूफ्स पे, फ्लोर टाइल्स पे, सब पे लगता है. गिनीज, गिनीज जो बनता है ग्रेनाइट से बनता है, ये हल्का होता है, डार्क कलर का होता है और बिल्डिंग हाउस के लिए यूज़ होता है. मार्बल, मार्बल जो होता है लाइमस्टोन से बनता है. इसका कलर और टेक्सचर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइमस्टोन से मिलकर ये बना है. और ये भी बिल्डिंग बनाने में, उनको स्ट्रेंथ और ब्यूटीफुल बनाने में यूज़ होता है. ताजमहल में सबसे ज़्यादा मार्बल यूज़ हुआ है. और क्वार्टियस, क्वार्टियस जो बनता है सैंडस्टोन से बनता है, ये बहुत महंगा होता है क्वार्ट्ज का. एंड इट इज़ वेरी हार्ड, और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. जनरली इससे क्या होता है, ग्लास या फिर सेरामिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं. चेक पॉइंट देखिए. रॉक्स आर दैट कौन, वो रॉक्स जो मैग्मा से बनते हैं वो इग्नियस रॉक. वो रॉक्स जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक.
वो रॉक्स जो चेंज के फॉर्म कहलाते हैं हीट या प्रेशर की वजह से, वो मेटामॉर्फिक रॉक। टुडे योर रॉक्स टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू क्लास।